आज मैं शेयर करूंगी मछली की बहुत ही मज़ेदार तीखी चटपटी वाली रेसिपी। फ़िश करी हम बनाएंगे बिहारी स्टाइल में, बहुत ही मज़ेदार तीखी तीखी बनके तैयार होती है। वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। फ़िश करी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है रोहू फ़िश। आप कोई से भी फ़िश ले सकते हैं, रोहू कतला 500 ग्राम अच्छे से धो के साफ़ कर लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 3/4 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाला है। साथ में थोड़ा सा नींबू का जूस डाल देंगे, लगभग 1 छोटा चम्मच। नींबू का जूस डालने से बढ़िया एक फ्रेश सा फ्लेवर ऐड होता है। मैंने 1 छोटा चम्मच इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर दिया है। अब हम सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, सारे मसालों को मछली के एक एक पीस में बढ़िया से मिक्स कर लेंगे, मैरिनेट कर लेंगे। यहाँ मैंने मछली को अच्छे से मैरिनेट कर लिया है। अब इसको ढक देंगे, लगभग 15 मिनट के लिए हम इसको रेस्ट पर रखेंगे। तब तक हम अपना मसाला तैयार कर लेते हैं। मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च कश्मीरी वाला मैंने इस्तेमाल किया है जिसमें तीखा कम होता है लेकिन कलर बहुत ही बढ़िया सा आएगा। थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका एक थिक पेस्ट जैसा बना के तैयार कर लेंगे। मसाले को थोड़ा सा पानी में डुबो के रखेंगे ना ऐसे, तो बढ़िया से फूल जाते हैं और इसका ना स्वाद बहुत अच्छा आता है। अब मैंने यहाँ पे थोड़े से चीज़ लिए हैं, 2 बड़े चम्मच मैंने लिया है मोटा वाला सरसों, चाहे तो आप पीला सरसों भी ले सकते हैं। साथ में मैंने लिया है 1 बड़ा चम्मच धनिया, खड़ा धनिया, साथ में 1 छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च और यहाँ पे मैंने लिया है 1 साबुत पूरा मैंने लहसुन लिया है। अगर ऐसे बड़े वाले कलियाँ वाला है ना तो 1 ले लेना है, और अगर छोटे कलियों वाला लहसुन हो तो 2 बल्ब पूरा ले लेना है। देखो साइज़ में आप डिफरेंस देख सकते हो, ये छोटा है ये बड़ा है, तो छोटे हैं तो 2 ले लेना है पूरा सैगा, बड़े हैं तो 1 साबुत लेना है। साथ में 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 सूखे लाल मिर्च। इससे हम क्या करेंगे, इससे हम बहुत ही बढ़िया सा मसाला तैयार करेंगे। मैंने यहाँ पे एक हरी मिर्च भी ले लिया है। अब मैं क्या करूँगी, इसको सरसों को मैं मिक्सी के जार में डाल दूँगी और सारे ही इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्सी के जार में डाल देंगे। इसके पहले भी मैंने अपने चैनल पर बहुत सारी फ़िश करी की रेसिपी डाली है, आप उसको भी ज़रूर देखना, आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूंगी ताकि हम मसाले को अच्छे से पीस सके। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा मैं नमक डाल रही हूँ। नमक डालने से अगर कभी कभी जो है ना सरसों में कड़वापन आता है तो नमक डाल देंगे ना तो वो कड़वापन बिल्कुल नहीं आएगा। साथ में 1 छोटा चम्मच मैं यहाँ पर तेल भी डाल रही हूँ। नमक और तेल दोनों डाल के अगर हम इसको ब्लेंड करेंगे ना, पीसेंगे ना, तो सरसों जो है बिल्कुल भी कभी भी कड़वा नहीं होगा। तो इस टिप को ज़रूर आप फॉलो करें, कभी भी कड़वा नहीं होएगा सरसों पीसते समय। और मैंने ना इसमें सरसों का तेल डाला है, तो वापस से मैंने थोड़ा पानी डाल के इसको एक बार और घुमा लिया है। इसे हमें तब तक पीसना है थोड़ा थोड़ा पानी डाल के जब तक कि बिल्कुल फाइन पेस्ट ना हो जाए, बिल्कुल महीन ना हो जाए, दरदरा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फाइन पेस्ट होना चाहिए। थोड़ा पानी डाल के मैंने जार में खंगाल के भी इसको डाल दिया, तो ये हमारा सरसों का पेस्ट हो चुका है तैयार। अब चलते हैं अगले प्रोसेस में। अब मैंने यहाँ पे ले लिया है 4 मीडियम साइज़ के बिल्कुल लाल लाल वाले टमाटर, इसको हम डाल देंगे मिक्सी के जार में। तो इस रेसिपी में ना हमें टमाटर थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल करना है। बस अब हम इसको पीस लेंगे। यहाँ पे मैंने टमाटर को पीस कर उसका पेस्ट तैयार कर लिया है, इसको रखते हैं साइड में। अब हम सबसे पहले मछली को फ्राई करेंगे। सरसों का तेल डाल के मैंने बिल्कुल धुएँदार गर्म कर लिया है, अब हम इसमें फ़िश को फ्राई करेंगे। कभी भी मछली फ्राई करते समय तेल को बढ़िया धुएँदार गरम होने देना है, उसके बाद ही हम इसमें फ़िश फ्राई करेंगे। इससे मछली बिल्कुल भी पैन पे चिपकेगी नहीं। 2 मिनट तक हाई फ्लेम पर फ्राई करने के बाद अब मैं इसको पलट रही हूँ और वापस से मैं इसको 2 मिनट हाई फ्लेम पर फ्राई कर लूँगी। मछली को हमेशा हाई फ्लेम पर ही फ्राई करनी चाहिए, और अगर आप इसको फ्राई खाना चाहते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा डीप फ्राई करें, थोड़ा कड़क फ्राई करें, और अगर ग्रेवी में डालने के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा सा कम फ्राई, मैंने हल्का सा कम फ्राई करेंगे ताकि सॉफ्टनेस बरकरार रहे। फ़िश फ्राई हो चुका है, मैंने निकाल लिया है। अब उसी तेल को मैं डाल रही हूँ कढ़ाई में, लगभग 3 से 4 बड़े चम्मच तेल हमें टोटल ले लेना है। तेल थोड़ा सा कम पड़े तो आप एक्स्ट्रा तेल भी डाल सकते हैं। तेल गरम होते ही हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच जीरा, साथ में बीच से चीरा लगी हुई हरी मिर्च, लगभग 3 से 4 मिर्च को हमें तेल में फ्राई करना है ताकि इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छे से रिलीज़ हो जाए। अब मैं यहाँ पे डाल दूँगी मसाला पेस्ट हल्दी और मिर्च वाला, बिल्कुल सिलबट्टे में पीस कर हमने मसाला पेस्ट तैयार किया, ऐसा लग रहा है ना। थोड़ा पानी में डुबो के रखेंगे ना तो मसाला पेस्ट बहुत ही बढ़िया बनता है। अच्छा, इस समय हमें ना फ्लेम को लो पर कर देना है और ये मसाला पेस्ट हम डालेंगे और तुरंत इसको चलाएंगे ताकि बिल्कुल भी ये जलने ना पाए। कटोरी में थोड़ा पानी डाल के इसको भी मैं डाल दूँगी यहाँ पर, और इसको थोड़ा 1/2 मिनट इस तरीके से हम चलाते हुए पकाएँगे।
थोड़ा सा पका लेने के बाद अब हम इसमें हमारा सरसों का पेस्ट भी ऐड कर देंगे। फ्लेम को इस समय मैंने लो पर ही रखा है और इसमें भी थोड़ा पानी डाल के हम बाद में ऐड कर देंगे। तो बस अब हम इसको अच्छी तरीके से बढ़िया से चला लेंगे और बहुत ही मज़ेदार तीखी चटपटी ग्रेवी हमारी बन के तैयार होगी। तो बस अब हम इसमें पानी थोड़ा सा डाल देंगे, इसी कटोरी में मैं डाल रही हूँ, और इसको हम पकाएंगे लगभग 3 से 4 मिनट तक चलाते हुए। बीच बीच में चलाते जाना है, बढ़िया सा तेल इसमें सेपरेट होना चाहिए तब तक हम इसको पकाएंगे। देखो 3-4 मिनट पकाने के बाद आप देख सकते हो ऊपर तेल आ चुका है, यानी कि हमारा ये पेस्ट जो है बिल्कुल बढ़िया से कुक हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दूंगी हमारा टमाटर का पेस्ट। टमाटर का पेस्ट डालते साथ ही हम इसको वापस से चलाएंगे और इसको हमें वापस से पकाना है बढ़िया से। ग्रेवी जितनी भुनी हुई होगी ना, जितना अच्छे से हम पकाएंगे ग्रेवी का टेस्ट भी उतना अच्छा आएगा। थोड़ा सा मैं कटा हुआ हरा धनिया भी डाल दूंगी, उसका भी फ्लेवर इसमें बहुत ही बढ़िया लगता है। अब हम इसको वापस से पकाएंगे, तो इस समय हमें इसको क्या करना है कि ढक के पकाना है। लो फ्लेम पर ढक कर 10 मिनट तक हम इसको पकाएंगे बीच बीच में चलाते हुए। बीच में एक दो बार आप इसको खोलकर ज़रूर चला लें ताकि नीचे तले पे ये चिपक ना जाए। इस तरीके से मसाले को हमें भूनना है, पकाना है तेल अलग होने तक। तो देखो तेल इसमें से अलग हो चुका है, बढ़िया से हमारा मसाला भुन गया और बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आ रही है, एकदम मस्त तीखी चटपटी वाली खुशबू। तो अब बिना ढक्कन लगाए 3-4 मिनट थोड़ा सा और फ्राई करेंगे। ये देखो फ्राई कर लिया है 3-4 मिनट, बिल्कुल सूखा हो गया है मसाला हमारा, एकदम बढ़िया भुन भुन सा गया है। अब हम इसमें डाल देंगे पानी ग्रेवी के लिए। तो जितनी ग्रेवी चाहिए उसी हिसाब से पानी डालना है और उसी हिसाब से हमें इसमें नमक भी ऐड करना है। तो पानी थोड़ा सा मैंने ज़्यादा ही रखा है क्योंकि ये जो ग्रेवी है ना बाद में थोड़ी सी थिक हो जाती है। अब हम स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल देंगे, थोड़ा सा धनिया जाएगा इसमें, उसको चला लेंगे अच्छी तरीके से। अब हम क्या करेंगे, हम इस ग्रेवी को थोड़ा सा पकने देंगे लगभग 7 से 8 मिनट तक, ताकि बढ़िया से ये उबल जाए और ग्रेवी हमारी बढ़िया से पक जाए। तो ग्रेवी हमारी उबल गई है, अब हम इसमें फ्राइड फिश को ऐड कर देंगे। मछली को डालने के बाद बहुत ज़्यादा हमें नहीं पकाना है क्योंकि बहुत ज़्यादा पकाएंगे ना तो मछली जो है ग्रेवी में टूट सी जाएगी सॉफ्ट होकर। तो बस मछली डालना है और लगभग हमें 3 से 4 मिनट इसको पकने देना है। तो स्लिटेड हरी मिर्च यानी कि बीच से चीरा लगी हुई हरी मिर्च मैं डाल रही हूँ, थोड़ा सा धनिया भी डाल दूँगी। अच्छा, ग्रेवी में तीखापन ना आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना, ज़्यादा तीखा मत डालना अगर नहीं खाते हो तो। मुझे थोड़ा तीखा पसंद है इसलिए मैंने मिर्च ज़्यादा डाला है। और यहाँ पे 2-3 मिनट मैंने ग्रेवी को पका लिया है फिश के साथ और ये हमारी मछली की करी बनकर बिल्कुल तैयार, बहुत ही ज़बरदस्त कलर आया है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, गैस की फ्लेम को बंद करेंगे, ढक्कन लगा के इसको छोड़ देंगे लगभग 7 से 8 मिनट 10 मिनट तक। 10 मिनट के बाद आप इसका कलर देखना और भी ज़्यादा उभर के आएगा, बिल्कुल लाल लाल ग्रेवी बनके तैयार होती है। इसको गार्निश करना धनिया और हरी मिर्च के साथ और ये हमारी मछली करी बनकर तैयार। तो आज हमने जो है ना बिहारी स्टाइल वाली मछली करी बनाकर तैयार की है और मछली करी ना राइस के साथ खाने में ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसको आप गर्मा गर्म सर्व करना और ये देखो ग्रेवी थोड़ी सी और गाढ़ी हो गई है, इसलिए मैंने शुरुआत में पानी थोड़ा सा ज़्यादा डाला था ग्रेवी पकाते समय। तो ये हमारा मज़ेदार टेस्टी तीखा चटपटा फिश करी बन के तैयार और इसको मैं सर्व कर रही हूँ राइस के साथ। आप भी इस तरीके से इसको सर्व करें राइस के साथ ना, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। वैसे आप चाहो तो इसको रोटी के साथ या पराठे के साथ भी इंजॉय कर सकते हो। तो आप भी इस तरीके से इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी बनती है और ख़ास करके इस ठंड के मौसम में ना ये तीखा चटपटा खाने का मज़ा ही कुछ और है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।